हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरे टीम को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो आज मैं आप लोगों को फिर एक मैसेज लाइव डिवाइन का देखेंगे। डिवाइन मैं आपसे क्या कहना चाहते हैं और आज आपके लिए क्या मैसेज मैंने होल्ड करके रखा है, ठीक है? तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लें, जो रेजोनेट ना हो दूसरों के लिए जाए। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोल लेते हैं गोपी जगदीश जी को, जिन्होंने मुझे डोनेशन दिया है। थैंक यू सो मच मुझे डोनेशन करने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है ईश्वर का तो बता देती हूँ मैं। आपका बेसिकली इंतजार खत्म हो रहा है किसी चीज के लिए, आपने जिस ये चीज के लिए बहुत लंबा इंतजार किया, ठीक है? ओके, आपको लोग दबा देना चाहते थे किसी चीज में, एक प्रेशर में ना लोग आपको डाल देना चाहते थे और दबा देना चाहते थे उस प्रेशर में ही। आपको उस चीज में नहीं जाना है। अगर आपको एंग्जायटी फील होती है तो आप अपने लिए जो भी सही गाइडेंस है या फिर जो मेडिसिन है वो लीजिए। और बेसिकली वैसे तो आपका ये समय खत्म हो ही रहा है, तो सबसे अच्छी बात है कि आपकी लाइफ में अब ये चीजें बिल्कुल भी नहीं रहेंगी, ठीक है? चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो भी रेजोनेट हो प्लीज वही लें, जो रेजोनेट ना हो से दूसरों के लिए जा रहे हैं। ओके, एक कार्ड फाइव ऑफ कप्स आया है। टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉल्ट, ये दो कारण आगे कुछ हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर कोई प्रपोज करने के बारे में आपको प्लान कर रहा है। ये कोई आपका लवर हो सकता है या फिर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वही करंट फीलिंग वो सोच रहे हैं आपके बारे में भी, आपसे बात की जाए और आपसे कनेक्ट किया जाए कैसे भी करके, ठीक है? यहाँ पे दो कार्ड ज्वाइन मांग रहे हैं, लेते दो वर्ल्ड कार्ड। इंतजार की घड़ी जो है आप खड़े हुए, कंफ्यूजन खत्म हुई और किंग ऑफ स्वॉर्ड। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि रिवर्स आया है, बेसिकली वो ये जो पर्सन है मूव ऑन नहीं कर रहा है। तो कोई है जो आपकी बाइक करना चाहता है, ओवरथिंकिंग भी कर रहा है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया है एंड एक और कार्ड आ गया है एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि क्लियर पक्का वन बना लिया इसने आपसे बातचीत करने का, ठीक है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये आप हो सकते हैं। देखिए ये जो भी है ये आप हो सकते हैं, आप अर्थ एलिमेंट है, जो भी है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं हम, ठीक है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये आपकी एनर्जी है और यहाँ पर ये जो भी पर्सन है ये बेसिकली देखो एयर एलिमेंट हो सकता है या फिर सॉरी एयर एलिमेंट ये एयर साइन हो सकता है या फिर फायर साइन हो सकता है, ठीक है?
जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, अराइज लियो सेजेंटेरियस हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो बेसिकली कोई ऐसा पर्सन है जो कि अपने लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, मूव ऑन नहीं कर पा रहा है वो अपनी लाइफ में कहीं पर भी। तो यहाँ पर कोई इंसान है जो कि आपसे बात करना चाहता है और आपको प्रपोजल देना चाहता है, वो बिल्कुल भी अच्छे फेज में नहीं है यहाँ पर ना, कोई बहुत बेचैन हो पाया आप। या तो आप इस पर्सन को जानते हैं, अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो ये काइंड ऑफ वन साइड लव हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप जो है हिडन है, तो जो हिडन है उसको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है बैकग्राउंड। तो यहाँ बैकग्राउंड में ये चल रहा है कि कोई इंसान है जो आपको जानता है और वो आपको बहुत प्यार करता है और आपसे बात किए बगैर उसको कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर वो बता अनकंट्रोल होकर के आपसे बात करना चाहता है, और वो सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, डिस्टर्ब भी है, स्लीपलेस नाइट है उसकी, और मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है इस चीज से। तो बेसिकली आप से जो है बात करने का सोच रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है कि आपसे जो है बात किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो या कोई कोई परेशान ना करे आप आसपास कोई ना। या तो देखो ये पर्सन आपके इर्द गिर्द हो सकता है, या फिर ये आपके ऑफिस में हो सकता है, या फिर कोई ऐसे एनवायरनमेंट में हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा पर्सन है आपको इसके बारे में नहीं पता बट ये आपके बारे में जान रहा है, ठीक है। ये आपके बारे में जानता है और इसको ये पता है कि किसी चीज के बारे में आपसे पूछेगा तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है, काइंड ऑफ कोई ट्रिप हो सकती है, काइंड ऑफ कहीं पर कॉफी शॉप पर चलना हो सकता है, या कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि ये कोई पर्सन भले ही आप इसको उस तरह से नहीं जानते बट ये जानता है, तो इसका इंटेंशन ये है, ये आपके नियर अबाउट भी हो सकता है, ठीक है। बड़ा ही क्लियर इसने डिसाइड कर लिया है इस चीज को, और ये जो उसके दुख का समय है ना ये बहुत, क्योंकि अब इसका हो गया जितना ये कर सकता था, जितना वेट कर सकता था, ये बेसिकली अब कर चुका है अपनी, ठीक है। तो अब जो एनर्जी आ रही है कि ये बहुत स्ट्रॉन्गली आपको लेकर के फील करता है, बहुत सीरियस है आपको, ठीक है। इसको वैसे उम्मीदें थोड़ी कम है आपसे बट फिर भी ये बंदा जो है आपको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है, और बहुत ही क्लियर इसका डिसीजन है आपको लेकर। इसने मूव ऑन करने की कोशिश की है वैसे बट ये मूव ऑन कर नहीं पा रहा, ठीक है। इसने मूव ऑन करने की कोशिश की थी लेकिन ये मूव ऑन कर नहीं पाया, और अभी जो है ओवर थिंकिंग कर रहा है कि बात कैसे की जाए, बात कैसे की जाए, बात कैसे की जाए, बात कैसे की जाए। हो सकता है आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया भी हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है क्लियर ये आ रहा है कि ये बंदा ओवर थिंकिंग कर रहा है और आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। और ये जो चीजें हैं बहुत जल्दी आपके सामने आएंगी, बहुत जल्दी, ये कभी भी आ सकते हैं, ये अक्टूबर में ही हो, ये अक्टूबर में ही होगा आपके साथ। ये जो भी पर्सन है आप अकॉर्डिंगली देख लीजिए ये कौन है, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली कोई जो है आपके लाइफ में आ रहा है, और देखो कोई ट्रेवल तो आ रहा है, तो ये बंदा ना मतलब किसी ना किसी तरह आपसे कुछ इस तरह से पूछेगा या जो कुछ भी है और आपको कहीं लेकर जाएगा, ठीक है। तो आपके जीवन में जो बेसिकली ये स्लो डाउन का आया है, यानी कि आपके जीवन में चीजें बहुत स्लो हो गई थी ना, वो स्लोनेस अब जो है खत्म हो गई है, अब चीजें बहुत जल्दी 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 आपके लाइफ में कोई चीज आ रही है जो कि बहुत ही बहुत जल्दी होगी, कुछ ज्यादा ही हार्ड होगी। ओके, द ड्रीम, आपको कोई सपना है शायद, कोई ना कोई आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं, तो सपना जो था आपका आपको सच होने वाला, पूरा होने वाला है, ठीक है। आपका सपना जो है आप सच होने वाला है, कुछ ड्रीम हो सकता है आपका, कहीं जाने का शायद मन था आपका। देखो ऐसा हो सकता है कि आपका कहीं जाने का मन है, ये बात वो जानता है, और वो आपको लेकर जाएगा वहां, ठीक है। तो आपका कहीं जाने का मन था,
वो इस बात को जानता है और वो इसी चीज को कैरी करके ना आपको वहां लेकर जाएगा। तो भी रेडी हो जाओ, बैग पैक कर लो, अच्छे अच्छे कपड़े भी रेडी कर दो, कभी तो आते जाते थोड़ी सी ना इस बंदे के मन में या फिर आपके मन में हो सकता है किसी तरह जमा गुस्सा है शायद, या आपके बीच हो चुकी है कोई लड़ाई की, क्या कहना चाहिए। ओके, शायद आप लोगों के बीच में ना किसी तरह का कोई मनमुटाव है, तो जो मनमुटाव है आपके जीवन में वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप अब अपने लाइफ में ना देखो चेंज भी आ रहा है आपके लाइफ में, आपको कहा जा रहा है सब उस चीज को छोड़ दीजिए और विश्वास कीजिए, ठीक है। छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, दूसरा अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया है तो उसको मौका दीजिए, उनको बीच अगर कोई मतभेद चल रहा है या कुछ चीज को लेकर के आपका संग नहीं करते हैं किसको या जो भी है, तो बेसिकली उस चीज से आपने किसी को रिलीज करना है, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग आया है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि आप अपनी लाइफ में अब बहुत अच्छी अच्छी चीजों को अनुभव करेंगे, आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। ओके, तो मेजर ब्रेक थ्रू आ रहा है आपके लाइफ में, कोई बहुत बड़ी चीज आपके लाइफ में आ रही है, आपने जो सोचा भी नहीं है ना वो चीज आपके जीवन में आ रही है, बहुत बड़ी चीजें आपके लाइफ में आ रही हैं और ये बंदा ना जरिया बनेगा, मुझे जो फील हो रहा है ये बंदा जरिया बनेगा। मुझे लगता है कि आपको अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, चीजों को एक अलग सिरे से देखने की कोशिश कीजिए, एक अलग ढंग से देखिए चीजों को, ठीक है। आप पाएंगे कि चीजें बहुत ही फ्रूटफुल हो रही है, बहुत ही बेस्ट हो रही है आप, ठीक है। ये बंदा बहुत कुछ झेल चुका है, बहुत बुरा टाइम देख चुका है, पर ये बहुत ही क्लियर है आपको देखकर के, ठीक है। आप शायद इसके बारे में इतना नहीं जानते, ये इसके मतलब कितना डीप है आपको, पुरुषम। तो भाई ये आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो क्रिएट करना चाहता है, काफी वाइस है ये पर्सन, ये तो आपकी लाइफ में ना कोई वाइस पर्सन आ रहा है। देखो ये यही हो सकता है, ये कोई और भी हो सकता है आपकी लाइफ में ना, बेसिकली कुछ तो नया आ रहा है, ये हम फिर से आंसू झान कर रहा है। ये बंदा ना डेस्परेट है आपको छोड़ना नहीं चाहता आपको, ज्योति जजमेंट आ गया है, ठीक है। ज्योति यानी कि इसकी जो बुद्धि है ना, अब इसकी घंटी बजी है कि नहीं यू आर द बेस्ट एंड आपसे बेहतरीन कोई हो ही नहीं सकता। ये जो भी पर्सन है ना इसको ये चीज फील हो गई है कि आपसे बेहतर न्याय है। देखो ये जो ना बंदा ये इतना परेशान हो चुका है कि इसको ना न्याय चाहिए, ये जस्टिस मांग रहा है ईश्वर से और पूरी तरह से डेस्परेट है आपको लेकर के, पागल है ये बिल्कुल, ये ओवर एंड ओवर थिंकिंग कर रहा है, ये हर समय आपके बारे में सोचता रहता है, क्योंकि अगर ये इतना परेशान है तो ये हर वक्त आपके बारे में सोचता रहता है, तभी इसकी एनर्जी में ये चीजें आई हैं। ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है आपको लेकर के, कैसे भी आप मान जाए और हाँ कह दो, ठीक है। तो इसको जो है उम्मीद है कि शायद आप हाँ कह देंगे, इसलिए आप खुश करना चाहता है पहले, उसके बाद प्रपोज करेगा, काफी वाइस पर्सन है, ठीक है। लेकिन आप भी बहुत चालू हैं, आपको कोई आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता, कुछ ना कुछ तो बेहतर ही ना आया आपने, बड़ा सब अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी फ्लोज टुवर्ड्स मी एफर्टलेसली, तो भाई आपके जीवन में जो है एफर्टलेसली कोई धन का कोई स्रोत आ रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज आपके जीवन में आ रही है, बहुत पैसा आपकी लाइफ में आ रहा है, अबंडेंस फ्लोलेसली आ रही है, ठीक है। एफर्टलेसली आपकी लाइफ तरफ बढ़ रही है प्रॉस्पेरिटी, मतलब अब आप उसमें अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करेंगे लेकिन पैसा बहुत तेजी से आएगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन, आई रिफ्लेक्ट ऑन माई थॉट्स एंड एक्शन एंड लर्न फ्रॉम देम, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आपको अपने थॉट को रिफ्लेक्ट करना है, अपने एक्शंस को रिफ्लेक्ट करना है और उनसे कुछ ना कुछ सीखना है।
इन सभी चीजों से आपको कुछ ना कुछ है। सेल्फ केयर आपको कहा जा रहा है, थोड़ी सी अपनी केयर कीजिए, ठीक है। सेल्फ केयर कीजिए अपनी। आई प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर एंड नर्चर माई बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो यहाँ पर जो है आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी थोड़ी सी केयर करनी है, अपनी बॉडी की केयर करनी है, अपने माइंड की केयर करनी है, और अपनी स्पिरिट की भी केयर करनी है आपको। हो तो सकता है कि आप अपने केयर ना करते हो, अपने बारे में ज्यादा सोचते ना हो, आपको अच्छे से सोचते केयर करते हो, ठीक है। खुद से प्यार कीजिए। अबंडेंस माइंड सेट, आई हैव एन अबंडेंस माइंड सेट एंड अट्रैक्ट प्रोस्पेरिटी। तो यहाँ पर जो है आपके जीवन में अबंडेंस माइंड सेट आपको बनाकर चलना है, यानी कि हर वक्त आपको पॉजिटिव सोचना है। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव सोचेंगे और अच्छी चीजें सोचेंगे, आपके लाइफ में चीजें उतनी ही पॉजिटिव होंगी, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो, अगर आप कुछ जैसा भी सोचते हैं चीजें वैसी आपके लाइफ में होना शुरू हो जाती है। तो जितना हो सके आप पॉजिटिव सोचिए, आपको यही कहा जा रहा है। इनर हैप्पीनेस, आई कल्टिवेट हैप्पीनेस विद इन माई सेल्फ एंड रेडिएटेड टूवर्ड्स। तो आपको अपने भीतर की खुशी को पहचानना है और उसको रेडिएट करना है। आई कल्टिवेट हैप्पीनेस विद इन माई सेल्फ एंड रेडिएटेड आउटवर्ड। आपको जो है इन खुशियों को बेसिकली आपको जो है अपने भीतर खुशी जो है उसको फील करना है, और उस खुशी को आपको बाहर रेसिप्रोकेट भी करना है, यानी कि लोगों के साथ उस खुशी को रेसिप्रोकेट करना है, शेयर भी करना है आपने। सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में जो है तो उदास रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे और चीजों के साथ डील करते रहेंगे। नहीं, आपको यहाँ पर खुश रहने के लिए भेजा था, उदास परेशान दुखी रहने के लिए नहीं भेजा गया था। और ईश्वर आपको कह रहे हैं और उनके एंजल्स ही आपसे कह रहे हैं कि जितना हो सके खुश रहिए और अपनी लाइफ में खुशी बाकी, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी है। अब देख लेते हैं कि कोई कोई ईश्वर का संदेश आपकी है क्या। ट्राई अ मोर अनलाइकली सॉल्यूशंस, ओके। तो कभी कभी ना आप तो ऐसी भी चीजों को ट्राई करने के लिए कहा जा रहा है जिन आप करना पसंद नहीं करते, यानी कि कुछ ऐसे सॉल्यूशन ऐसे भी चीज को लेके आपकी लाइफ गोल करते, यानी कि जैसे कि ये पर्सन है, हो सकता है आपसे कुछ कहना चाहता है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप एक बार सुनिए। कभी कभी आपको जो है वो सॉल्यूशन भी ट्राई करके देखने के जो आपको उतनी पसंद नहीं है या जो आपको उन पर उतना विश्वास नहीं है, ठीक है। तो उसको भी ट्राई करके आप देख सकते हैं, हो सकता है इसमें भी आपको कुछ कुछ ना कुछ मिले, तो ट्राई कीजिए। अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट विल अचीव गुड रिजल्ट, ओके। तो एक जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होता है ना, वो एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट को आपके लाइफ में अचीव करता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो है कोई भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपकी डेस्टाइंड है, आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको बस ब्रेक थ्रू मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है आपके जीवन में ना, कोई बहुत बड़ी चीज जो है फट से आने वाली है। ये मुझे बार 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 झांक रहा है कार्ड, तो आपके लाइफ में ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। गेट रेडी फॉर दिस, कोई बहुत बड़ी चीज के लिए आप तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो आ रहा है आपके लिए जो चीजें आपको उतनी नहीं पसंद है, आप मतलब अपने पैटर्न से ना थोड़ा सा साइड कर भी देखिएगा, अलग तरीके से भी देखने के लिए। आप चैनल डेक में से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, देखते हैं क्या मैसेज है आपके। जिनको कोई मैसेज नहीं मिला आप मिल जाएगा। यहाँ पे आ रहा है कर्मा बैकफायर, तो आपको जो है सॉरी आपके ऊपर जिन लोगों ने कुछ ना कुछ नेगेटिविटी प्रोजेक्ट की थी, या फिर कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते आपकी लाइफ में कुछ बेहतरीन हो, कर्मा बैकफायर होता है उनको, ठीक है। गॉड इज विद इन यू, यू विल नॉट फेल। तो ईश्वर जो है आप में है, वो आपको फेल देंगे होने देंगे, कभी भी नहीं होने देंगे। गो अहेड, आपको कहा जा रहा है आगे बढ़िए अपने जीवन में। डोर्स आर ओपनिंग, द वेट वाज नॉट पनिशमेंट, इट वाज अ प्रिपरेशन। तो आपके लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं, जो ये इंतजार था वो कोई पनिशमेंट नहीं था, ये एक प्रिपरेशन थी आपके लिए, ठीक है। तो एंजॉय, यू लूज एवरीथिंग यू लूज
इज गोइंग टू रिप्लेस, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि खुश होइए, और जो कुछ भी आपने अपने जीवन में खोया है वो सभी चीजें अब आपको रिप्लेस हो। यू विल बी सो रिच, तो भाई आप जो है दुनिया में बहुत पैसा कमाने वाले हैं, बहुत पैसा आने वाला है आपके पास में से, पैसा आएगा आप। और कोई विश आई है आपके लिए, कुछ मांगना चाहते हैं आप तो सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं भी किसी ट्रिप पर जाऊँ, एक इंटरनेशनल जल्दी। मनी इज फ्लोइंग टू मी फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, तो भाई पैसा जो है आपके तरफ अब बहुत सारी दिशाओं से आ रहा है, यानी कि आपका जो पैसे को लोगों ने ब्लॉक करने की कोशिश की थी और स्पिरिचुअली चोरी करने की कोशिश की थी, वो सभी चीजें बैकफायर हो गई हैं उन्हीं के पास, और अब आपके जीवन में पैसे ही पैसा आ रहा है। ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने जो दिमाग है उसको ट्रेन कीजिए ताकि वो हर बुरी सिचुएशन में किसी न किसी अच्छाई को देख सके, क्योंकि ईश्वर जो है हर बुरी चीज को आपके जीवन में अच्छाई में बदल देंगे। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, तो ईश्वर के साथ हर एक चीज संभव है, ईश्वर के साथ हर एक चीज संभव है। सीक्रेट इज गोइंग टू रिवील, तो भाई कोई चीज आपके सामने आने वाली है, बहुत दिन से आ रहा है तो जो आप नहीं जानते वो आपको पता चलने वाला है। टुडे फाइनली लेट गो सेट योरसेल्फ, तो आज आपको कहा जा रहा है कि पुरानी चीजों को जाने दीजिए और खुद को फ्री कीजिए, ठीक है। पुरानी चीजों को जाने दीजिए और खुद को फ्री कीजिए नई चीजों, डोंट गिव अप, आपको कहा जा रहा है गिव अप नहीं करना है आपने। अ न्यू बिगनिंग, तो आपके जीवन में कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आ रही है। अ न्यू पाथ इज अबाउट टू ओपन, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई नया रास्ता खुलने वाला है जो आपको आपके डेस्टिनी की ओर ले जाएगा, ठीक है। तो ये रीडिंग आपके लिए थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड एक इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहती हूँ, मेरा एडवांस टैरो ट्रेनिंग कोर्स से जो लोग भी बनना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी इनरोल करवा लीजिए मेरा एडवांस टैरो ट्रेनिंग कोर्स में, वो इसका पार्ट बन सकते हैं और अपने लिए एक बहुत अच्छी रीडिंग सीख सकते हैं, यानी कि आप अपने लिए भी रीडिंग कर सकते हैं, प्रोफेशनल रीडर बन सकते हैं। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी जल्दी इनरोल करवा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आप एक नए मैसेज के साथ, बाय बाय।